मैं आपके ब्रेस्ट के, मैं कुछ बहनों के ब्रेस्ट में रोग को चाहते हुए देख रहा हूं। इस सिस्टर का नाम जसबीर कौर है और जिवरियाम के रहने वाले, इनकी बहुत बड़ी गवाही है। जिस सिस्टर बता रही कि 6 साल से इनकी ब्रेस्ट के दोनों साइड से रेशा निकलता था, पस निकलती थी। ऐसे बता रही कि 6 साल से थोड़ी थोड़ी पस निकलती रहती थी। जे कोई भी इनको गिल्टी की प्रॉब्लम भी नहीं थी। जब जे डॉक्टर से मेडिसिन खा रहे थे 6 साल से, इन्होंने ऐसे एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा भी करवाया, टेस्ट भी करवाए, उसमें कोई गिल्टी की प्रॉब्लम भी कुछ भी नहीं था रहा। पर जे एक रोग था। जब इनके पास प्रभु की सच्चाई पहुंची तो इनको पता चला कि जे शैतान की ओर से एक रोग था इनको, जो बहुत भयानक था। और जे सिस्टर बहुत परेशान थे 6 साल से जो रेशा निकलता था। और जैसे जे सिस्टर 12 दिसंबर की मीटिंग में आए और प्रभु के दास दुखियों बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु के दास के मुख से घोषणा आई कि कुछ बहनों के ब्रेस्ट में कोई रोग है, सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। मैं आपके ब्रेस्ट के, मैं कुछ बहनों के ब्रेस्ट में रोग को चाहते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा मैं कुछ बहनों के ब्रेस्ट के रोग को चाहते हुए देख रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और मन को फिराओ। जैसे ही इस बहन ने इस वर्ड को विश्वास के साथ रिसीव किया और जे बता रहे कि उस दिन से इनको फर्क पड़ना शुरू हो गया। जो 6 साल से पस रेशा निकलता था वो बिल्कुल ही बंद हो गया, क्योंकि जे बता रहे कि इतना ट्रीटमेंट कराया, इतना इलाज भी कराया, मेडिसिन भी खाई, वो फर्क नहीं पड़ा। जो परमेश्वर की जो ग्रेस थी, जो मसा था, जो इन्होंने विश्वास के साथ इस वर्ड को रिसीव किया, उसके बाद जो परमेश्वर इनके जीवन में इस गवाही को बनाया। और आज ये सिस्टर बता रही कि जे पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुके। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। और जब मैंने इन्हीं चीज देखी है, मैंने इनकी जीवन के बारे जी, जब मेरे मुंह से आता है ना, ये बहुत आत्मा से अपने आप को, स्पिरिट से उन बातों से भरते हैं। क्या नाम है आपका? जसबीर कौर पापा जी। जसबीर कौर, ये जो अभी आप प्रॉब्लम बता रहे थे अपनी अभी, हाँ जी पापा, ये कितने साल से थे आपको? 6 साल से ही पापा। 6 साल से थे। बोलो क्या थी? 6 साल थे। सुना सबने? कितनों को इसकी गवाही की समझ आई? क्योंकि गवाहियों को बड़े ध्यान से लेना, बड़े विश्वास के साथ लेना, क्योंकि गवाही क्या है? एक जीवित वचन है। इसके दोनों सतन से क्या निकलता था? रेशा। क्या निकलता था? इसके दोनों साइड बॉडी पे इसके सतनों से रेशा निकलता था 6 साल से, जिसके लिए इसने बहुत मेडिसिन खाई मगर आराम क्या नहीं मिला। 6 साल इसने मेडिसिन खाई ना आपने? पापा जी खाई पर आराम नहीं मिला। पर खुदावन ने मेरे मुंह से उस वर्ड को बोला कि मैं देख रहा हूं कुछ बहनों के ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम को चाहते हुए। क्या देख रहा हूं मैं? मैं कुछ बहनों के ब्रेस्ट से प्रॉब्लम को चाहते हुए देख रहा हूं। और जैसे इसने उस वर्ड को जो खुदावन ने मेरे मुंह से बोला और रिसीव किया, और ये आज आपके सामने अपनी गवाही से खड़ी। आज ये छोटी बात नहीं है, बोलो, छोटी बात है। किसी के सतनों से ऐसे रेशा निकले रोज रोज, तो कितनी एक तो एक इंसल्ट की चीज है ना, बेइज्जती जैसे हो जाती है। पर खुद छुड़ाने वाला और बचाने वाला कौन है? चंगा करने वाला कौन है? और वो कहां पे है? वो कहां पे है? मैंने कहा वो कहां पे है? हमारे बीच है। अगर आज आपका विश्वास है तो आज आपको भी सुनने वाला है। मैंने कहा अगर आपका विश्वास है तो आपको भी सुनने वाला है। तारीफ करो जोर से,
जोर से आमेन आमेन ओके गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी आशीष दें।